हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोमोज के साथ खाने जाने वाली चटनी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी वे से बन जाती है, तो मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम एक पैन लेंगे और उसमें पानी है वो गर्म होने के रख देंगे, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज के टमाटर। इसको हमें प्लस के साइन की तरह कट करके हमें पानी में डालना है ताकि जो छिलका है आसानी से बाहर निकल जाए। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची जो सूखी हुई होती है, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लहसुन और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसे हमें 5 से 8 मिनट के लिए उबालना है ताकि जो छिलका है निकलने लगे टमाटर्स का। जब टमाटर का छिलका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, निकलने लगेगा, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको पानी से निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसका छिलका निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से जो छिलका है टमाटर का वो निकल रहा है। बस हम इसको ही ऐसे ही सभी टमाटर का छिलका है जो निकाल देंगे। और ये सब टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन को हम एक मिक्सिंग जार में ले लेंगे और इसमें हल्का सा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पानी आप जो जिसमें हमने टमाटर को उबाला था आप वो भी डाल सकते हैं, उसे क्योंकि उस पानी में सारा फ्लेवर होता है तो आप वो पानी डाल सकते हैं। तो इसको हम एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था। अभी हम एक ले लेंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमें ज़्यादा या नहीं पकाना है, जस्ट 5-3 सेकंड के लिए पकाना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी हमें जस्ट 1 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का बना के रखा था, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो इसमें आपको थोड़े चंक्स दिख रहे हैं उसको हम साइड में निकाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक और 1/2 चम्मच सोया सॉस का, जिससे जो टमाटर और हमारी चटनी का जो कलर है थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसे हमें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। 5-10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो चटनी है बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं मोमोज के साथ, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही इजी है इसको बनाना और ज़्यादा काम भी करना नहीं पड़ता। आप ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।